कोई भी नॉर्थ अमेरिकन शहर अगर आप उठा के देखो सैटेलाइट मैप से, तो आपको एक यूनिफॉर्म ग्रिड पैटर्न या ये जालीनुमा स्ट्रक्चर नजर आएगा यहाँ के रूट्स पे। इसकी वजह से सारे के सारे रूट्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में चलते हैं जो कि बहुत सिमेट्रिक है, और प्लॉट्स भी सिमिलर साइज एंड शेप्स के देखने मिलते हैं। ये यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन ले आता है यहाँ के शहरों के डिजाइन को। लेकिन जैसे ही हम इंडिया में आए तब आपको देखने मिलता है कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की प्लानिंग नहीं होती। कोई बिल्डिंग गोल है, कोई त्रिकोण, और किसी बिल्डिंग का शेप डिफाइन ही नहीं हुआ है। कोई भी रोड कहीं भी खत्म हो सकती है, कहीं भी शुरू हो सकती है, कोई चौड़ी है या कोई पतली, और इसकी वजह से हमारे शहर बहुत ज्यादा कियोटिक बनते हैं। और सवाल ये उठता है कि भारत में ये ग्रेट लाइक पैटर्न शहरों के डेवलपमेंट के अंदर फॉलो क्यों नहीं किया जाता, और इसके पीछे के आंसर्स जितना हम सोच रहे होंगे उससे कई ज्यादा जटिल है, और आज के इस वीडियो में मैं इनका जवाब दूंगा। दोस्तों, अगर कोई सवाल उठता है कि ये चीज हमें समझनी क्यों चाहिए कि ग्रिड पैटर्न क्यों भारत में नहीं है, तो वो सवाल ये है कि ग्रिड पैटर्न का एक्चुअल में फायदा क्या है। और फायदे बेशुमार है। सबसे मेनली जो लैंड यूज है वो बहुत एफिशिएंट बन जाता है। ग्रिड लेआउट की वजह से जो स्पेस का यूज है वो बेस्ट तरीके से हो पाता है, और कम से कम एरिया के अंदर मैक्सिमम रेसिडेंट्स और बिजनेस को अकोमोडेट किया जा सकता है। नेविगेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है किसी भी शहर की ग्रिड की वजह से, क्योंकि रेसिडेंट्स विजिटर्स के पास में एक पर्टिकुलर इजिएस्ट वे बनता है दो राइट एंगल्स के जरिए कहीं पे भी ट्रैवल करने का अगर वो चाहे तो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी ग्रिड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर एक सिंगल रोड पे चलने वाली भी बस पूरे ग्रिड को कवर कर रही है तो वो बहुत सारे रेसिडेंट्स को टचअप कर सकती है, और किसी भी एरिया से बहुत ज्यादा दूर वो किसी केस में नहीं होगी। जोन्स किसी शहर के होते हैं, बिजनेस जोन, इंडस्ट्रियल जोन, कमर्शियल जोन, इसको डिफाइन करना ग्रिड्स की वजह से और ब्लॉक्स की वजह से आसान हो जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस भी बहुत आसान होता है इन ग्रिडेड सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लानिंग भी। लेकिन फिर भारत में ये ग्रिड्स क्यों नहीं है, और इसके लिए हिस्ट्री में जाना जरूरी है। पहले थोड़ा कम हिस्ट्री में जाते हैं और बाद में थोड़ा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर हम अमेरिकास की बात करें तो यहाँ पर 1785 में एक कानून पास हुआ था जिसका नाम था पब्लिक लैंड सर्वे सिस्टम, जिसने बेसिकली अमेरिका के अंदर की जितनी जमीन है उसको स्क्वायर शेप के प्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था, ताकि सरकार इनको सेल कर सके और फिर डेवलप सिटीज उसके हिसाब से हो। और ये मिडवेस्ट से लेके वेस्ट तक मेजरली हुआ था, जहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं थी। अब एक बात यहाँ पे समझना जरूरी ये है कि अमेरिका के अंदर अगर आप नेटिव अमेरिकन वाला हिस्सा छोड़ दे तो यहाँ पर कोई ओनरशिप थी ही नहीं, यानी कि ज्यादातर लैंड जो पूरे अमेरिका के अंदर था वो सरकार ही ओन करती थी, और धीरे धीरे जो यूरोप से इमिग्रेंट्स आ रहे थे उनको ये लैंड या तो अलोकेट किए जा रहे थे या फिर ये उनको परचेज कर रहे थे। यहाँ पर हजारों सालों से लैंड ओनरशिप की कोई चेन नहीं थी, कोई राजा महाराजा की प्रॉपर्टी नहीं थी। इस वजह से सरकार को सारी की सारी जमीन अपने अंडर लेकर फिर उसको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑप्शन था, और इंडियन शहरों में ये नहीं है। भारतीय शहरों या इवन यूरोपियन शहरों के बारे में अगर हम बात करें तो हम हजारों साल पुराने हैं। यहाँ पर जमीनें जो है वो फैमिलीज में जनरेशन से पास ऑन हुई है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की प्रॉपर्टीज रही है हजारों एकड़ के बीच में फैली हुई, जो टेढ़े मेढ़े शेप की हो सकती है। नेचुरल बाउंड्रीज चीजों को डिफाइन करती है, कुछ जमीन ग्रीजिंग के लिए थी, कुछ फार्मिंग के लिए, कहीं पर पैलेस बनाया गया, कहीं पे रोड्स और कहीं पे कुछ और। रोड्स के अंदर और रिवर्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो रोड्स को कभी वाइड बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास में कास्ट का सिस्टम नहीं था पहले। ब्रिजेस जो है वो हर जगह नहीं होते थे, और लैंड सर्वेइंग की टेक्निक्स नहीं थी। इसके वजह से जमीनें बहुत नेचुरली डेवलप होती थी, और इसका लेन देन बहुत ही ऑड पैटर्न में होता था, उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। और इसके वजह से इंडिया के अंदर कभी भी गवर्नमेंट के पास में ऑप्शन नहीं था कि वो सारे के सारे जमीन को एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर लाए। अगर गवर्नमेंट को ऐसे करना है तो उनको सारी जमीन पहले एक्वायर करनी पड़ेगी, और वो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जमीन के हजारों लाखों करोड़ों ओनर्स इस देश के अंदर। अगर आपकी एक टेढ़ी मेढ़ी जमीन है कुछ एकड़ की और गवर्नमेंट कल को आके बोलती है इसको ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, और अचानक से बोलती है कि इसमें से कई सारे रोड्स गुजरेंगे, यूटिलिटीज गुजरेंगे,
उतरेगी तो बहुत सारे लोग आपकी तरह जो है वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि उसके लैंड में से बहुत ज्यादा रोड गुजरेगा। हो सकता है आपको अच्छे से कॉम्पनसेशन मिले उस जमीन का, लेकिन एक कंटिन्यूस लैंड पार्सल की वैल्यू जो है वो आपको ही होगी, और फ्यूचर में उसके डिमांड बढ़ने पर आपके छोटे टुकड़ों की वैल्यू कम होगी कंपेयर टू अ सिंगल पीस। और इसके लिए पॉलिटिकली ऐसी कोई भी चीज कर पाना बहुत मुश्किल है जहां पर सरकार कल से बोल दे कि आपकी जो भी जमीन हो वो आप रखिए, लेकिन इसके अंदर अगर कुछ बनेगा तो वो ग्रेड लेआउट के साथ में बनेगा। जिस दिन ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा उस दिन से बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी पॉलिटिकली। और इस वजह से शहर भी जब एक्सपांड हो रहे हैं तो उनको नया ग्रेड पैटर्न दिया नहीं जा रहा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन जरूर देखने मिलते हैं जहां पर ये एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम मैंने कही इसके सॉल्यूशंस को ढूंढ कर गवर्नमेंट जो है नए शहर बनाती है। अब देश में एग्जैक्टली ग्रिड तो नहीं, लेकिन नवी मुंबई, नोएडा और इनफैक्ट कुछ केसेस तक गुड़गांव, ये शहर जो है इनऑर्गेनिकली डेवलप किए गए हैं, यानी गवर्नमेंट ने इनको पहले डिवाइड किया है फिर डेवलप किया गया है। आज के डेट में भी ऐसी चीजें चल रही है जहां पर नैना जो मुंबई के पास में है और गिफ्ट सिटी जैसे शहरों को गवर्नमेंट ग्रिड के साथ में डेवलप कर रही है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम आ जाती है ये कि सारे के सारे जमीन को पहले अक्वायर करना पड़ता है। वहां पे जो गांव वगैरह है वहां पे सालों की कन्विंसिंग की जरूरत पड़ती है पूरी की पूरी जमीन खरीदने के लिए। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास में बहुत ही ज्यादा हेल्दी अमाउंट ऑफ पैसा भी होना चाहिए। पैसा जब आ जाता है तब गवर्नमेंट फिर प्लान्स बनाती है रोड्स वगैरह के हिसाब से, यूटिलिटीज बनाती है जिसके अंदर बिजली पानी वगैरह होता है, और उसके बाद में फिर ये जो प्लॉट्स रेडी है गवर्नमेंट के पास में उनका ऑक्शन किया जाता है, जहां पर रेसिडेंशियल, कमर्शियल, स्कूल, हॉस्पिटल सब जो है प्राइवेट कंपनीज आके बनाती है। मुंबई का बीकेसी हो, गुड़गांव के कई इलाके हो, नोएडा, ये सब इसी पैटर्न पे बने हैं, और सारे शहरों के अंदर ये रेप्लिकेट नहीं हो सकता क्योंकि सरकार के पास भी इतना जमीन खरीदने का पैसा नहीं है। छोटे एरियाज में जो है पॉलिटिकली सिचुएशन संभल सकती है, लेकिन अगर स्टेट या नेशनल लेवल पे ऐसी कोई पॉलिसी आ जाए जमीन को खरीद के काटने की तो यहाँ पर पब्लिक अपने आप से इसमें खुश नहीं होगी। और इसलिए ग्रिड पैटर्न्स बनाना स्पेशली ऐसे जगहों पर जो कि एंशिएंट है, सिविलाइजेशनल है, वहां पे इम्पॉसिबल होता है। चाइना में भी ये देखने मिलता है, जापान में भी ये देखने मिलता है, लेकिन इंडिया जैसे जगह पे ये ज्यादा दिक्कत इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में ये हमारा पुराना जमीन ओन करने के सिस्टम से लेकर सरकार के द्वारा इसके अंदर ज्यादा इंटरफेयर न करने से लेके हमारे यहाँ पर जो एक रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है कई पॉकेट्स के अंदर, जिसने उत्तम नगर दिल्ली जैसे एरियाज बना दिए, धारावी मुंबई जैसे इलाके बना दिए जहां पे जरूरत पड़ने पर एक एम्बुलेंस या फायर फाइटिंग ट्रक भी नहीं जा सकता। ये प्रॉब्लम जो है आज शहरों को फेस करनी पड़ रही है। इनफैक्ट पाकिस्तान ने तक कराची जैसे जगहों के पास में जो भी अभी न्यू प्लॉटिंग हो रही है वहां पे ग्रिड पैटर्न्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है, लेकिन भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लान्ड सिटीज ग्रिड पैटर्न का यूज कर रहे हैं, और उसको भी ग्रिड नहीं बोल सकते लेकिन एक प्लान्ड रोड पैटर्न के जरिए कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब ये अच्छी बात है या बुरी, ये मे बी मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा जो इससे भी ज्यादा डिटेल्ड होगी, लेकिन फिलहाल ये जवाब आपके लिए शायद इजीली डाइजेस्टेबल होगी कि क्यों भारतीय शहरों में ग्रिड्स नहीं है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशंस ऑन कर देना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।